हाय दोस्तों, मैं हूं हिमांशी और ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सी सेक्शन के कट के बारे में, जो स्टिच वाला एरिया होता है, इंसिजन एरिया, उसके बारे में मैं बात करूंगी कि अगर वहां पे आपको होल दिख रहा है छोटा सा, या अगर कहीं से आपको खुलता हुआ दिख रहा है कट, तो उसकी क्या रीजंस हो सकते हैं, ऐसा क्यों होता है, और इसमें क्या कुछ किया जा सकता है, और ये चीज अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ये सब के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। और एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि दोस्तों, हर केस में ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर जो सी सेक्शन के जो कट होते हैं वो हील हो जाते हैं। कुछ केसेस में जो है ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपका सी सेक्शन प्लान्ड है या आप ऐसी ये वीडियो देख रहे हैं अपने नॉलेज के लिए, तो प्लीज घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये जो केसेस होते हैं ना, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट कॉमन नहीं होती हैं। हर केस में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, पहले बात करती हूँ कि आपको जो है आपके कट वाले एरिया में कहीं एक होल दिख रहा है। तो दोस्तों, होल होने के कुछ रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि हो सकता है कुछ छोटी मोटी इन्फेक्शन अंदर आपको हो रही है, और जो भी या पस बनी है अंदर इन्फेक्शन की वजह से, या कोई डिस्चार्ज है वो बाहर आना चाह रहा है, तो वो एक होल के जरिए जो है वो बाहर आएगा। तो उसके वजह से जो है स्किन में एक ऐसा होल हो सकता है, या फिर कई बार जो स्टिचेस लगते हैं, जो स्टिच होता है, उसका मटेरियल हो सकता है आपको ज्यादा सूट नहीं करा और उसने रिएक्ट कर दिया, और उसकी वजह से भी जो है होल फॉर्म हो सकता है। तो अगर आपको आपके सी सेक्शन वाले कट में कोई छोटा सा होल नजर आ रहा है, तो इसमें जो है ज्यादा कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं होनी चाहिए। बट फाइनल जो है वो तो डॉक्टर ही देख के बता पाएंगे कि क्या सिचुएशन है, कोई और इश्यू तो नहीं है। बट ओवरऑल छोटे अगर कोई होल है, तो उसमें ऐसी आपको बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो ये चीज जो है आपके लिए सॉल्व हो सकती है। और दोस्तों, ये डिपेंड करता है उस बात पे भी आप कितना जल्दी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि अगर जैसे आपने होल नोटिस कर लिया, छोटा सा होल है, और उसी वक्त आप डॉक्टर के पास चले गए और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस चीज को बहुत डिले कर रहे हो सकता है होल एक माइनर सी इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन जो है बाद में बढ़ गई, तो वहां पे कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकते हैं। इसलिए अपना जो भी आपका कट वाले एरिया है ना, उसको आपको ऑब्जर्व करते रहना है, देखते रहना है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, तो फैमिली मेंबर जो आपकी दवाई लगा रहे हैं, उनको बोले कि कट को जो है ऑब्जर्व जरूर करते रहें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, ताकि आप टाइम से डॉक्टर के पास जा सके। तो दोस्तों, होल के अलावा अगर आपको आपके टांके वाले एरिया पर हल्का सा खुला हुआ लग रहा है, जैसे स्टिच होता है ना, वो आपको दिख रहा है कि हल्का सा ओपन हो रहा है, तो ऐसे में इसका पहले तो रीजन क्या है। इसका रीजन मेन यही है कि जो आपका टाको वाला एरिया है, उस पर कोई प्रेशर आया है या खिंचाव हुआ है, तभी टाका हो सकता है हल्का सा टूट गया हो। तो इसके स्टिच ओपन होने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, या तो आप सही से रेस्ट नहीं ले रहे हैं, या आपने बहुत ज्यादा कोई भारी चीज उठा ली है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको अंदर कहीं इन्फेक्शन हो रही है, या कई बार क्या होता है जो स्टिच वाला एरिया है उसके आसपास डेड स्किन सेल्स आ जाते हैं, क्योंकि उस एरिया में ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से नहीं जा रही है। तो ऐसे केसेस में भी बिकॉज स्किन जो है वहां पे हेल्दी नहीं है और अच्छे से वो चिपक नहीं रही है, तो उसकी वजह से भी जो है हल्की सी स्टिच में ओपनिंग आ सकती है। तो दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, या तो आपको होल दिख रहा है, या आपको लग रहा है स्टिच खुला हुआ लग रहा है, तो पहली बात आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे, ये चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी, तो इसमें आप घबराइए नहीं। पहला पॉइंट ये है कि आपको जल्दी से डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर तो होल बहुत छोटा है, या जो आपकी स्टिच की अगर आपको खुला हुआ सा लग रहा है, ओपनिंग लग रही है, वो छोटी है, तो ऐसे केसेस में ज्यादातर यही हो सकता है कि डॉक्टर आपको अच्छे से ड्रेसिंग करेंगे वहां पर, और आपको एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो उस एरिया में, और आप जल्दी से रिकवर हो जाएं, और जो आपका स्टिच वाला एरिया है वो ठीक हो जाए, उसके हिसाब से डॉक्टर जो है वो आपको दवाइयां देंगे। लेकिन अगर वो जो एरिया है वो ज्यादा खुलता हुआ लग रहा है, या स्टिचेस भी डॉक्टर को लग रहा है ज्यादा टूट गए हैं, होल भी काफी बड़ा दिख रहा है, तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि डॉक्टर उस एरिया में फिर से जो भी खुला हुआ पार्ट है उसको स्टिच लगा के बंद करे। तो डॉक्टर उस एरिया को नंब करके, सुन करके, हो सकता है वहां पे फिर से आपको टांके भी लगाए। तो ये डिपेंड करता है कि आपके स्टिचेस की क्या सिचुएशन है उस पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए सबसे जरूरी चीज क्या होनी चाहिए, आपके लिए सबसे जरूरी चीज होनी चाहिए कि आप सी सेक्शन के बाद सारे प्रिकॉशंस लें, जिससे कि ये जो स्टिच में प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, ये बहुत ही कम रह जाए। तो वो क्या प्रिकॉशंस हैं, आइए वो बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो है प्रॉपर रेस्ट लें, अपनी बॉडी को हील होने दें,
उसके बाद आपको कोई भी भारी वजन नहीं उठाना है, अपने बच्चे से भारी चीज आपने कुछ नहीं उठानी है। तो मेनली आपने अपना बच्चे को ही उठाना है और चीज आप ना उठाएं। इसके साथ साथ कोई भी चीज आपको धक्का मारकर खिसकानी भी नहीं है, पुश नहीं करना है। आप हेल्दी डाइट पे ध्यान दें ताकि फटाफट से आपकी रिकवरी हो। टाइट कपड़े पहनना आप अवॉइड करें, ऐसी चीज ऐसे कपड़े खास करके जो आपके स्टिच वाले एरिया पर रगड़ रहे हैं, ऐसे तरह के कपड़े जो हैं वो आप बिल्कुल अवॉइड करिए। अपने टांकों वाले एरिया पर स्क्रैच करना, कई बार क्या होता है आपको इचिंग सी होने लग जाती है तो आपने स्क्रैच कर दिया, तो ऐसी चीजें आप अवॉइड करें। स्क्रैच करने से भी हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए क्योंकि हाथ साफ है नहीं है, हमें नहीं पता है, तो ये भी आप अवॉइड करें। इसके अलावा अपने स्टिचेस वाले एरिया को आप दबाएं भी नहीं, ज्यादा प्रेस ना करें ताकि प्रेशर ना पड़े उस एरिया पर, और आपके जो स्टिचेस वाला एरिया है उसको आपने बिल्कुल साफ रखना है और सूखा रखना है। दोस्तों एक और जरूरी बात यहाँ पे ये है कि कई बार हो सकता है इंटरनल स्टिचेस में आपको प्रॉब्लम आ जाए, बिकॉज ऊपर से तो हमें दिख रहा है कि स्टिच खुल रहा है या होल हो रहा है, लेकिन अंदर के टाकों में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे में वैसे चांसेस रेयर होते हैं कि ऐसा हो, लेकिन कुछ सिम्टम्स हैं जो कि अगर आपको होते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी जो है डॉक्टर को दिखाना है। तो वो सिम्टम्स क्या है वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रही है, सिवियर पेन हो रही है आपके एब्डोमिनल एरिया में, और ये पेन जो है वो बढ़ती जा रही है। देखो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत पेन होती है बट धीरे धीरे कम होती जाती है, बट ये पेन अगर आपकी ठीक नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक बार डॉक्टर से जरूर बात करें। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत बड़े बड़े उसमें क्लॉट्स आ रहे हैं, और यूरिन पास करते वक्त आपको बहुत ज्यादा पेन हो रही है, आपको फीवर आ रहा है बार बार, और आपको घबराहट हो रही है, हल्का सा ऐसे डिजीनेस लग रही है, या आपका जो स्टिच वाले एरिया है उसके आसपास बहुत ज्यादा लाली हो गई है, रेडनेस फैल गई है और स्वेलिंग लग रही है आपको, जो आपको नॉर्मल नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे में भी डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इसके अलावा अगर स्टिच वाले एरिया से किसी भी तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है, पस निकल रही है, कोई पानी निकल रहा है, गाढ़ा सा कोई लिक्विड निकल रहा है, उसमें से स्मेल आ रही है, तो ऐसे में भी आप डॉक्टर से जरूर बात करें। या आपको जो स्टमक का नीचे वाला एरिया है वहां पर दर्द तो हो रही है, साथ में आपको लंप भी दिख रहा है, कोई ऐसा कुछ उभरा हुआ सा कुछ आपको लग रहा है कि आपके पेट पर है, तो ऐसे सब सिम्टम्स में आप डॉक्टर से जरूर बात करें। तो दोस्तों यही थी सारी जानकारी जो आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आप इस सिचुएशन में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जल्दी से डॉक्टर से जरूर बात करिए। मैं आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस भेज रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आप जल्द से जल्द ठीक होंगे। और अगर ऐसा भी आपके साथ कुछ नहीं हुआ है, आप इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो ये सारी जानकारी जो प्रिकॉशंस हैं जिससे कि जो आपके स्टिचेस बेहतर रह सकते हैं और आप अवॉइड कर सकते हैं ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन, ये जरूर फॉलो करिए, अपना बिल्कुल ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।